सभी केसेस करेंगे डिटेल में। इसके बारे में आप सभी को मैं बताऊंगा कि किस पॉइंट में हमारे पास वर्चुअल इमेज आएगी, किस पॉइंट में हमारे पास रेल इमेज आएगी, उसके बाद लीनियर मैग्नीफिकेशन टॉपिक रहता है, और उसके बाद हमारे पास जो ऑप्टिक्स का रे ऑप्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कम्प्लीट हो जाएगा। लास्ट टॉपिक में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात किया था, वो लास्ट दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप एक बार चेक कर लेना। मिरर फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारे पास डेरिवेशन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, तो हम बात करते हैं मिरर फॉर्मूला। इट इज ए रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम द मिरर, क्लियर। ये हमारे पास फॉर्मूला है जिसको हम लोगों ने ड्राइव करना 1/v + 1/u = 1/f भी द फोकल लेंथ हियर, v भी द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, u भी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। For real image, when the object is placed in front of a concave mirror beyond f, f से beyond करेंगे तभी हमारे पास real image आएगा। कैसे आएगा उसकी केस में एक बार आप लोगों को बता देता हूँ, बोर्ड के अंदर तो नहीं लेकिन समझने के लिए कंसेप्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, when object is at infinity, infinity से हमने जैसे रूल मैंने आप लोगों को बताया था रे डायग्राम के लिए, इन्फिनिटी से कभी भी रे आएगी वो पैरेलल जो रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस की, वो हमारे पास हमेशा फोकस के पास है। एरो का इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। नंबर टू, सेकंड कोई रे आएगी पैरेलल जो भी रे आएगी हमारे पास, पैरेलल नंबर ऑफ रेज जितने भी आएंगे वो हमारे पास सभी पास करेंगे फोकस, एक दो तीन जितने भी आप बनाओ, इसका मतलब जो हमारे पास फोकस हुआ वहां पे हमारे पास इमेज आएगी, कब, जब ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी। नेचर ऑफ इमेज कैसा नेचर है, नंबर वन इमेज बनी है एट फोकस, नंबर टू रियल, कोई भी इमेज हमारे पास जो रियल होगी वो हमेशा इन्वर्टेड होगी, क्लियर, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज स्मॉल इज पॉइंट ऑब्जेक्ट है, डिमिनिश या बोल सकते स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। नंबर टू, धीरे धीरे मैं ऑब्जेक्ट को पोल की तरफ लेके आया, अब मैं बियॉन्ड सी लेके आया, जो मिरर फॉर्मूला यूज करना वही रूल, जो भी पैरेलल आएगी फोकस से पास आफ्टर रिफ्लेक्शन। नंबर टू, सेंटर से ले हमारे पास, या मैंने एक और रूल बताया कि जो हमारे पास पोल पे आएगी, पोल है जितने एंगल से आए स्केल की हेल्प आप ले सकते हो, जितने एंगल से आए उतने से फोकस, दो रे मिनिमम दो रे का होना हमारे पास नेसेसरी है, दो रे हमारे पास जब कट करेंगे किसी पॉइंट को हमारे पास इमेज होगी। इमेज कहां पे होगी, नेचर की बात करूं नंबर वन बिटवीन एफ एंड सी, नंबर टू रियल है इनवर्टेड है, रियल एंड इनवर्टेड। साइज के बारे में क्या बता सकते हैं, ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। केस नंबर थ्री, ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करें धीरे धीरे, हमारे पास जो पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट था अब साइज थोड़ा बड़ा, अब और बढ़ेगा साइज हमारे पास बढ़ता जाएगा, इसी प्रकार देखते हैं जब ऑब्जेक्ट को मैंने रखा सेंटर ऑफ सर्कल से, पैरेलल रे आई पैरेलल स्केल से आप लोग बना लेना थोड़ा इजीली, फोकस से पास करेंगे। नंबर टू, जो फोकस से पास करेंगे वो हमारे पास जाएगी, दो रे हमारे पास किसी भी पॉइंट पे कट करेंगे तो हमारे पास इमेज, जहां हमने ऑब्जेक्ट को लिया वही हमारे पास इमेज आएगी ए डैश बी डैश, क्लियर। तो नेचर के बारे में आप क्या बोल सकते हो, नंबर वन एफ सी, ऑब्जेक्ट को भी कहां रखा होगा एफ सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज भी कहां है सी पे, सी को हम 2f भी बोल देते हैं, वैसे 2 टाइम्स होता है फोकल लेंथ हमारे पास। नंबर टू, हमारे पास यहां पे बात करें कैसा इमेज है, रियल। नंबर थ्री इन्वर्टेड, जो रियल होगा वो इन्वर्टेड भी होगा। साइज कैसा है, सेम साइज, सेम साइज, क्लियर। यहां तक हमारी बात हुई, अब ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे डिस्प्लेस कर रहे हैं, अब मैं ऑब्जेक्ट को लाया बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी, यहां पे मैं ऑब्जेक्ट को ले गया, पैरेलल ले आएंगे फोकस से पास करेंगे, नंबर टू पोल पे आएंगे, यहां पे पोल जितने एंगल से आएंगे उतने एंगल से पास करेंगे, ए डैश बी डैश। एरो नेसेसरी कंडीशन, ये हमारे पास इमेज को, इसके बारे में नेचर ऑफ इमेज नंबर वन ये साइड लिख रहा हूं, क्लियर। नंबर वन हमारे पास कैसे होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसे है,
साइज से हमारे पास धीरे धीरे हमारे पास कैसे होगा साइज इसका लिख रही है यहाँ भी सेम साइज था, धीरे धीरे साइज बढ़ेगा। चलिए थोड़ा और इजिली आप बनाओगे इसको तो हमारे पास जो साइज होगा इसका इंक्रीज करेगा। चलिए साइज इंक्रीज कहां पर है बियॉन्ड सी, सी से बियॉन्ड होगी हमारे पास बियॉन्ड सी। अब जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखना चाहिए तब क्या होगा एट एट आएगी फोकस से पास करेंगे जो हमारे पास रूल था। नंबर टू जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हमारे पास है यहीं से बना सकते हैं या यहां से बना सकते हैं जो पोल पे यहां आएंगे हमारे पास इस पॉइंट पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन स्केल के अच्छा बना सकते हो वो हमारे पास क्या करेंगे जितने एंगल से आएंगे उतने सीधा है। अब ये जो दोनों के दोनों रेंज हमारे पास यहाँ पे जो मैंने बनाई है बिल्कुल पैरेलल रहे और पैरेलल को ऐसा माना गया कि वो इन्फिनिटी पे जाके मिले। चलिए नेचर ऑफ इमेज के बारे में क्या कहते हैं रियल होगी कि रियल में मिलेगी इन्वर्टेड होगी साइज बहुत बड़ा होगा इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी। चलिए इन्फिनिटी पे जाके हमारे पास मिलेगी तो नोट करने की बात ये जब ऑब्जेक्ट हमारे पास इन्फिनिटी का इमेज फोकस पे बनेगी जब ऑब्जेक्ट फोकस पे इमेज इन्फिनिटी अब बिटवीन एफ एंड पी कौन और इसके बीच में जब लेके चले नंबर वन फोकस से पास नंबर टू यहां से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां से रे आएगी यहां से रोटेट में आप बना के देख सकते होंगे रियल में हमारे पास यहां से रे आएगी और वापिस यही होगी। अब ये दो रे बिल्कुल अपोजिट पैरेलल नहीं तो पीछे जैसे इनको बढ़ा जाए रियल में कभी मीट नहीं करेंगे पीछे जैसे इनको बढ़ाया जाएगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे दोनों हमारे पास मीट करें क्लियर और जिस पॉइंट पे इमेज बनेगी इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी क्योंकि वर्चुअल वर्चुअल कभी भी होगी वो इरेक्ट होगी वर्चुअल इरेक्ट साइज हमारे पास इंक्रीज होगा बढ़ेगा बिहाइंड मिरर मिरर के बिहाइंड होगा मिरर के बिहाइंड मिरर क्लियर तो ये सभी केसेस थे जो इसको समझना बहुत ही जरूरी था। अब हम मिरर फॉर्मूला की बात करते हैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये केसेस समझ में आया अगर किसी भी केस में कोई डाउट है तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अपना बता लीजिए कि किसमें प्रॉब्लम उसको दोबारा से फिर एक्सप्लेन किया जाए। मेरे फॉर्मूला की बात करें मैं यहाँ पे डायग्राम बना लू ये हमारे पास मिरर है पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है ऑब्जेक्ट ए बी कॉनकेव मिरर का केस कर रहे रियल इमेज के लिए रे पैरेलल आए फोकस से पास करें सेकंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे आएगी हमारे पास जो हमने अभी बात की थी रे ट्रेस करके अपने बात को नॉर्मल इंसिडेंट होता है नॉर्मली इंसिडेंट करके किसी भी पॉइंट पे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है। नंबर थ्री जो पोल से आएगी वो हमारे पास जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से हमारे पास रिफ्लेक्ट होगी। तीन रे के बारे में आपको याद रखना नंबर वन जो पैरेलल आएगी फोकस से पास नंबर टू जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी रे ट्रेस करेगी अपने बात को नंबर थ्री हमारे पास जो पोल पे आएगी जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से वापस आएगी ये रूल मैंने आपको बता दिया प्रीवियस वीडियो आप चेक कर सकते हो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा वहां से आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं मैथमेटिकल प्रूव करना वन बाई बी प्लस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखेंगे सभी पॉइंट पर लेकर नंबर वन ट्राइंगल एबीसी को ध्यान से देखो और यहाँ पे जो इमेज बनी है इसको मैंने ए डैश बी डैश का नाम दिया ट्राइंगल ए डैश ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर सिमिलर है कोई ट्राइंगल होंगे जो साइड की रेशियो होगी वो हमारे पास क्या होगी सेम होगी इक्वल होगी ए बी वाई में ए डैश बी डैश बी सी डिवाइड में बी डैश नंबर। अब हमारे पास जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर ये ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो इनकी भी साइड की रेशियो ट्राइंगल ए बी पी ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी इस केस में हमारे पास ए बी डिवाइड में ए डैश बी डैश ऊपर हमारे पास कहीं इन्वर्टेड ये डॉट नहीं आए इस टाइप से तो बिल्कुल सिंपल ऐसे चले और इन केस में वन और टू से
from equation 1 and 2. Left hand side equal to right hand side equal over B C B dash C is equal to B B B dash. अब यहां से एक रूल जो मैंने बता रखी है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल. रूल नंबर 1, सभी डिस्टेंस पोल से मेजर है और पोल से तो फोकस की डिस्टेंस फोकल लेंथ स्मॉल है, पोल से तो इमेज बना उसकी डिस्टेंस b, जो ऑब्जेक्ट उसकी डिस्टेंस u जो मैंने बताया था, और सभी लेफ्ट साइड में इंसिडेंट इस साइड में और सभी ऑब्जेक्ट इस साइड में डिस्टेंस, तो इनको नेगेटिव लेंगे इन द सेम डायरेक्शन पॉजिटिव जैसा बताया था. अब बी से सी जो हमारे पास है बी से सी, अब ये पी पॉइंट इसके अंदर मिला तो इसको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा बी से पी माइनस सी से. क्लियर? तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं पी बी माइनस पी सी, पूरे में इसको माइनस कर दिया तो हमारे पास ये होगा पी बी माइनस पी सी. अब उसके बाद बी डैश सी, बी डैश सी को हम देखेंगे पी से सी माइनस पी बी डैश सी, P से C माइनस पी इज इक्वल टू बी पी या पी बी लिखो, एक ही बात है, डिस्टेंस है हमारे पास, डिवाइड में हमारे पास है P इंटू पी. अब P हर एक पॉइंट के अंदर हमारे पास है, P इसमें भी है इसमें भी. अब ठीक हमारे पास अब मेजर करते हैं P से B, मेरे पास ऑब्जेक्ट है माइनस का यू, माइनस क्यों लिया है साइन का माइनस, ध्यान रहे इसका. P से C सेंटर ऑफ द वेक्टर कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं माइनस माइनस का, P से C माइनस का, P से B डैश इमेज क्या लिखेंगे माइनस B इक्वल टू P से B, मेरे पास है यहाँ पे माइनस U माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस होगा, नेक्स्ट टाइप में लिख रहा हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए. क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस यू वी प्लस बी आर माइनस यू आर प्लस नेगेटिव नेगेटिव को एक साइड पॉजिटिव पॉजिटिव को एक साइड, वी आर प्लस यू आर इज इक्वल टू टू यू डिवाइडिंग बोथ साइड बाय यू वी आर, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय यू वी आर, यू वी आर, यू वी आर, वी आर सी वी आर कैंसिल, यू आर सी यू आर, यू वी सी वी, वन बाय यू प्लस वन बाय यू, b is equal to 2 by r, 1 by u plus 1 by v, 2 by r क्या होता है, f is equal to क्या होता है, r by 2, तो 1 by f is equal to कितना होता है, 2 by r, ये हमारे पास था required formula मेरे को. वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों शेयर करना और हम ऐसे ही डेली रूटीन में ऐसे वीडियो डालते रहेंगे. थैंक यू सो मच, keep watching.